रावण जैसे लंकापति राजा का सर्वनाश हो गया पराई स्त्री के कारण, बोलो हाँ या ना। रावण जैसे राजा जिनके सामने देवता थर 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 कांपते थे, कर जोरे सुर दिशिप विनीता भ्रगुटि बिलोकत सकल सभीता, ऐसा रावण जिसके सामने इंद्र कांपते थे, वो रावण पराई नारी के चक्कर में सर्वनाश हुआ, बोलो हाँ या ना। इसलिए अपने अपने बच्चों को और अपने अपने पतियों को समझा देना मेरी बात। पर नारी पैनी छुरी, सुनो, पर नारी पैनी छुरी, पराई स्त्री पैनी छुरी की तरह होती, छुरी मतलब चाकू, पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, पराई स्त्री तीन तरफ से खाती है, पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई स्त्री धन भी हरती है, यौवन भी हरती है और नरक में ले जाकर बिठा देती है। इसलिए पराई नारी के चक्कर में रावण पड़ा, सर्वनाश हो गया, पराई नारी के चक्कर में दुर्योधन पड़ा, दुर्योधन ने भी तो द्रौपदी के कपड़े उतारने का कहा, दुर्योधन का भी मन तो गंदा था, तो दुर्योधन पराई नारी के चक्कर में पड़ा, पराई नारी को स्पर्श उसने कराया, सर्वनाश हुआ कि नहीं, इतिहास में गवाही ये इतिहास देता है। फिर भी तुम ना सुधरो तो भगवान जिम्मेदार नहीं है, दोषी नहीं है, हम समझा रहे हैं, समझ लो, वरना जिम्मेदार स्वयं कहलाओगे, अपने आप को मान लेना, स्वयं जिम्मेदार हो। पराई स्त्री और पराए पुरुष से मन हटाओ और भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगाओ। अपनी पत्नी के साथ रहो, अपने पति के साथ रहो, तुम्हारा पति जैसा है तुम्हारा देवता है, तुम्हारी पत्नी जैसी है तुम्हारे घर की लक्ष्मी है, उसी से प्यार करो, उसी के साथ रहो। कल की कथा में हमने खूब समझाया आप लोगों को, फिर भी नहीं समझो तो मत समझो, फिर नुकसान किसका है ना समझने पर, हमारा या आपका, स्वयं का, स्वयं का। तो समझाओ अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, इश्क विश्क पर ध्यान मत दो। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, इनमें कोई दम नहीं है मेरी मां। बर्बाद हो गई लड़कियां ना जाने लाखों, आसनसोल में ही कितनी लड़कियां होंगी जो प्यार का भूत चढ़ा और बाद में प्यार के बाद कुछ नहीं मिला, धोखा के सिवा। समाज में 100 में से 95% लव मैरिज कोर्ट मैरिज की शादियां फेल हो रही हैं, आप देख लेना, हाँ या ना। भगवान श्याम सुंदर का सुंदर सा संदेश उद्धव जी ने दिया, गोपियों ने कहा अच्छा प्यार किसे कहते हैं, मैंने कहा प्रेम किसे कहते हैं, तो मैं आपको प्रेम की परिभाषा बता दूं, प्रेम कहते हैं तत् सुख सुखित्वम, जो अपने जिससे आप प्रेम करते हैं उसके सुख में आप, जैसे भगवान से प्रेम करते हैं आप, तो भगवान की इच्छा में जो अपनी इच्छा मान ले उसे प्रेम कहते हैं। गोपियां बोली मैं मथुरा नहीं जाऊंगी कृष्ण से मिलने, यदि वो मेरे बिना खुश है तो उसकी खुशी ही मेरी खुशी है, ये है प्रेम, सामने वाले की खुशी ही मेरी खुशी है, ये प्रेम है। अपनी इच्छा ना चलाओ, यदि आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, पति से प्रेम करते हैं, तो उसकी इच्छा में ही अपनी इच्छा मिलाओ, भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाओ, मेरी कोई इच्छा ना हो, हे प्रभु जो आपकी इच्छा है, जहां आप ले चलना चाहें वहां ले चलो, जो खिलाना पिलाना चाहो वो खिलाओ पिलाओ, हमारी कोई इच्छा नहीं है, आप चाहो तो महलों में रखो, चाहो तो झोपड़ी में रखो, चाहो तो नमक रोटी खवाओ, चाहो तो छप्पन भोग खवाओ, जैसे आप रखेंगे वैसे मैं रहूंगा, आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है, मेरी कोई इच्छा नहीं, इसका नाम प्रेम है। जो भक्त भगवान से प्रेम करता है ना, वो अपनी कोई इच्छा नहीं रखता, तेरी इच्छा मेरी इच्छा, ये प्रेम है। और जहां जिद हो कि नहीं जी जैसा मैं कहूं वैसा करो, फिर वहां प्रेम नहीं। मेरी मां
गोपियां भगवान से अत्यधिक प्रेम करती हैं। तो आज से भगवान से कितने लोग प्रेम करेंगे? सब लोग करना, भगवान की सेवा करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान का गोपियों की चरण धूलि प्राप्त की उद्धव जी ने, उनके प्रेम के आगे उद्धव जी नतमस्तक हो गए, रो पड़े। उद्धव जी को भगवान ने जब 6 महीने बाद लौटे कि हमें ब्रज की लता पता बना दो, ऐसा वरदान लेकर भगवान ने हृदय में दर्शन कराया उद्धव जी को।